एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने तारा से रिश्ता तोड़ दिया था, तो तारा मेरे घर आती है वापस और मम्मा को कुछ कहती है, बुरा भला कहती है, और मैं उसे कहता हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ बोलने की मम्मा को, और ये मेरी मैंने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तोड़ा है और मुझे सब पहले से ही पता था। तो मम्मा भी शॉक्ड हो जाती है, सारी फैमिली शॉक्ड हो जाती है, और फिर मैं गुस्से में अपने रूम में चले जाता हूँ, और अब सबको लगता है कि मैं तारा से कभी पैचअप नहीं करूँगा और हमारा रिश्ता टूटा ही रहेगा। तो पूरी फैमिली प्लानिंग करती है, और वहाँ से तारा के दद्दा जी और उसकी पूरी फैमिली, और यहाँ से मम्मा और मेरी पूरी फैमिली, और ये ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि जैसे वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे और मुझे लड़की दिखाने लेकर जाते कोई और। और मुझे रियलाइज़ होता है कि तारा ही मेरे लिए राइट गर्ल है, शी इज़ द परफेक्ट गर्ल फॉर मी। और फिर जब रास्ते में जब मैं उस लड़की को देखने जा रहा था किसी और को, तो रास्ते मुझे रियलाइज़ होता है और मैं गाड़ी खोलकर भाग जाता हूँ। एक्चुअली मम्मा और पापा बहुत चालाक है और वो अपनी पुरानी बातें मुझे याद दिलाते हैं, जैसे कि वो अपने फर्स्ट डेट के बारे में बता रहे होते हैं और अपनी जब पहले वो मिले थे वो बता रहे होते हैं, तो मुझे भी अपनी पुराना सब कुछ याद आता है, मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूँ। मैं तारा के साथ अपनी फ़र्स्ट मीटिंग याद करता हूँ, और फिर उसके बाद कि तारा को मैंने कैसे प्रपोज किया था, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है, और मुझे मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बस गाड़ी खोलता हूँ और भाग जाता हूँ।